महुआ जिले के गांव कुड़े में एक ही परिवार के तीन सदस्य खेत की रखवाली कर रहे थे, तभी अचानक फसल को लेकर गांव के ही कुछ लोगों ने आकर उनके ऊपर लाठी डंडों से मारपीट कर पूरी तरह से जख्मी कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। नाम क्या है भैया? मेरा नाम जितेंद्र। कहाँ के निवासी हो? कुड़ई के। कुड़ई के कौन थाना अंतर्गत आता है? थाना अजनर। अजनर जिला महुआ उत्तर प्रदेश। अच्छा अच्छा, क्या हुआ आपके साथ जो माता जी के साथ घटना घटी? माता जी कल मूंगफली की जो हमारी कटी हुई फसल है वो थाना अध्यक्ष द्वारा मूंगफली की फसल को ऐसे ही 8 दिन से रखी हुई है। अच्छा। तो उन्होंने काटने से मना कर दिया, बोल रहे थे कि इस पे स्टे है, विपक्ष पार्टी बोली इस पे स्टे है। अच्छा। इसके तो इसलिए मैं 26 तारीख को बांदा कमिश्नर में से ऑर्डर लेके आया, उस पर प्रश्नोत्तरी लेके आया, उसमें लिखा हुआ है इस पे कोई स्टे नहीं है। कल मैं थाना SI नीरज सर के पास गया, मैंने उसकी पूरी जानकारी दी, बोले सर इस पे कोई स्टे नहीं है। तो उन्होंने कहा कि चलो कोई स्टे नहीं है तो अपनी मूँगफली आप कतर सकते हो, अगर कोई विवाद की स्थिति पैदा होती है तो आप मुझे अवगत कराएं। तो मेरी मम्मी कल मूँगफली, मम्मी राम कुंवर, मौसी राजकुमारी, हमारी नानी रामवती गोरीबाई मौके पर वहाँ रखा रही थी मूँगफली की कटी फसल को, पर हमें इसकी जानकारी नहीं कब वो लोग आ गए। हरदयाल पुत्र रामलाल, बालमुकुंद पुत्र रामलाल और क्या कहते हैं उनके परिवार के सारे समेत सारे लोगों ने मिलके और उनका पुत्र हरदयाल का पुत्र नरेंद्र उम्र 20 साल, इन्होंने मिलके मेरी माताजी, मेरी मौसी और मेरी नानी को बुरी तरह जख्मी कर दिया। उनके सिर पर बहुत गंभीर चोटें आई हैं, उनके हाथ भी टूट चुके हैं। और नहीं जब जख्मी किया तो रात में आपने पुलिस को सूचना नहीं दी? 100 नंबर को या पुलिस को सूचना? हमें सर इसकी कोई जानकारी नहीं थी, वो तो मूंगफली की फसल रखा रही थी, बोले 6-7 बजे तक रखा लेंगे क्योंकि जानवर। तो इसके बाद जब आपको जानकारी होगी तो इसके बाद तो आपने पुलिस या 100 नंबर नहीं, हमें मौके पर पुलिस पहुंची या नहीं पहुंची? देखो हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है, उन लोगों के फोन वो लोग छीन के पर्स और फोन लेके छीन गए, ताकि सब छीन लेंगे ताकि मौके की लोकेशन ना मिल सके। हम लोगों ने मोबाइल ट्राई किया लेकिन उसकी जानकारी नहीं मिल पाई। इसके तहत उन्होंने उनको बुरी तरह मारा, ये लोग अपनी जान बचाने